आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। जैसा कि बताया जा रहा है पूरे भारत में मौसम की गतिविधि 3 जनवरी तक एक नया विक्षोभ उत्तरी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है और 3 जनवरी के बाद उत्तरी मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका के तट से दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। मन्नार की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। पूर्वी बांग्लादेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखी गई और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा और उत्तर मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भारत में मध्यम कोहरा देखा गया। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश और हिमपात की संभावना है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तराचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में वृद्धि या मामूली वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।